दोस्तों बिग बॉस OTT 2 के लाइव फीड में इस वक्त घर के अंदर आपको बता दूं कि यहाँ पे जिया ने कुछ चीजें ऐसी बोल दी मनीषा के बारे में अलविश और अभिषेक के सामने टास्क शुरू होने से पहले, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ना अभिषेक को और ना ही अलविश को। बताता हूँ पूरी बातें क्या कुछ है। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिए आप भी अभिषेक यानी कि फुकरा और अलविश को अगर सपोर्ट करते हैं तो। दरअसल दोस्तों आज घर के अंदर बिग बॉस ने एक टास्क इंट्रोड्यूस किया जहाँ पे पूजा भट्ट को डायरेक्टर बना दिया है और उसको एक एक करके बजर बजने पे डिसाइड करना पड़ेगा उनको कि कौन सा कैरेक्टर किस रोल के लिए फिट है और फिर वो उनके ऑडिशन लेगी कुछ कैरेक्टर्स का और फिर वो डिसाइड करेगी कि कहाँ पे कौन से रोल के लिए उनकी मूवी के लिए जहाँ पे कुछ चीज़ें हैं डाइनिंग एरिया वगैरह उस रोल वगैरह के लिए कौन सा कंटेस्टेंट फिट होगा। उसके पूरा का पूरा डिसीजन पूजा भट्ट पे होगा। अब दरअसल दोस्तों इस टास्क के अनाउंसमेंट के बाद यहाँ पे कुछ लोग कुछ चीज़ें फ़न करते हुए नज़र आए क्योंकि उन सबको अपना फ़ोटो वाला मिला हुआ है जिसको देखने के बाद वो सब अपना अपना फ़ोटो देख रहे थे, प्रोफाइल देख रहे थे किस तरह का उनका आया हुआ है। जिसके बाद आपको बता दूं कि बातों में जिया बोल पड़ती यार यहाँ पे मनीषा तो किसी भी कैरेक्टर में आ सकती क्योंकि उसका कब कौन सा कैरेक्टर आता है कुछ समझ ही नहीं आता, जिसको सुनने के बाद ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा शायद अभिषेक को। वो तुरंत ही बोल पड़े जिया बोलो मजाक का कोई हद होता है बट कुछ भी मत बोल दो मजाक में जो कि किसी के दूसरे के इमोशन को हर्ट कर जाए किसी दूसरे वे में अगर वो समझ ले तो। इस तरह की चीज़ें ना ही बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहे क्योंकि अगर तुम इस तरह की चीज़ें स्टार्ट करती हो तो फिर वो किस तरह से पोर्ट्रे होगा वो पूरा का पूरा तुम्हारे ऊपर जाता है। कहीं ना कहीं दोस्तों अभिषेक और एल्विस इस बात पे एग्री करते हुए नजर आए। आपका क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता।